हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ या बता ही रही हूँ कि हम अपने लिप्स पे ना अच्छे से जैसे लिपस्टिक को कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे ऐसे बिगिनर होते हैं जिन्हें लिपस्टिक अप्लाई करना नहीं आता है और उन्हें नहीं पता होता है कि हम पहले लिपस्टिक लगाएं या पहले लिप लाइनर लगाएं, और इसी चक्रों में वो गड़बड़ कर देते हैं। फिर आपका ये लिप्स फैला फैला हो जाता है बाद में कॉर्नर कॉर्नर से, और कई ऊपर का लिप्स मोटा नीचे का पतला या फिर नीचे का मोटा ऊपर का पतला ऐसे हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो मैं आपको देखिए अच्छे से बारीकी से बता रही हूँ यहाँ पे कि पहले आप कोई भी लिपस्टिक लगाइए, कभी भी लगाइए, तो आप पहले ना उसके कलर का, या फिर अगर आपको डार्क कलर ब्लैक या ब्राउन पसंद है तो आप पहले लिप लाइनर ही अप्लाई करेंगे और उसको अच्छे से कॉर्नर में या फिर चारों तरफ अच्छे से इसको लाइन कर लेंगे, जिससे कि हमारे लिप्स का जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छा आ जाता है लिप्स का शेप। और अगेन आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं, महंगा सस्ता जो भी आपके बजट में है। तो और अगर आप अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया एक बार ना, फिर आप उसमें कोई भी आपको मन पसंदीदा कलर जो है लिपस्टिक जो है वो फिल करिए, या फिर लिक्विड करिए, या फिर बुलेट वाली करिए। और ये क्रियोन वाली लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा है। देखिए मैंने इसी कलर का मैंने लिप लाइनर भी यूज किया था और फिर इसी कलर का मैं ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। ये मार्स की लिपस्टिक है और मैंने इसे ऑफलाइन ही लिया है। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, ये मुझे 150 में मिल गया था ये। और ये मैट, बिल्कुल मैट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है ये। और देखिए अगर आप लिप लाइनर लगा लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा शेप आता है, जैसे कि अभी आ तो देखिए मैंने यहाँ लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है और ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट। आपको कैसा लग रहा है? और बहुत लोग को डाउट ये भी रहता है कि हम लिक्विड के साथ लिप लाइनर लगाएं या फिर बस बुलेट वाले स्टिक वाले लिपस्टिक के साथ लिप लाइनर लगाएं, तो ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको दोनों ही, जब लिक्विड अप्लाई करें या फिर बुलेट वाला अप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन में आपको लिप लाइनर अप्लाई करना